बैतूल में पुलिस ने फर्जी शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला इस ठग के पिता, माता और बहन को भी गिरफ्तार किया गया जो उसकी मदद करते थे। इस फर्जी शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 120 से ज्यादा लोगों को ठगा है। काली टी शर्ट से अपना मुंह छुपाता यह शातिर ठग विशाल जायसवाल है, जो फर्जी शिक्षा अधिकारी बनकर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक सैकड़ा से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। दरअसल पिछले लंबे समय से ठगी का काम कर रहा विशाल जायसवाल के खिलाफ बैतूल के गंज थाना और बैतूल बाजार थाने में पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने जांच के आदेश दिए और आरोपी विशाल जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि उसके पिता प्रेमचंद्र जायसवाल, माँ सुशीला जायसवाल, बहन अंजना जायसवाल के साथ भोपाल का शुभम जोशी इस ठगी में शामिल थे। पुलिस ने पांचों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के पास से सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनमें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के फर्जी लेटर हेड, फर्जी सील और मार्कशीट शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप और दो मोबाइल भी जब्त किए हैं। मोबाइल की जाँच करने पर पता चला है कि 120 से ज्यादा लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र दिए हैं और रुपयों का ट्रांजेक्शन किया है। पुलिस को यह साक्ष्य मिले हैं 2 से 3 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। कुछ व्यक्ति हमारे सामने आए थे जिन्होंने ये बताया कि बैतूल का ही रहने वाला विशाल जायसवाल जो है उनको नौकरी में रखने के बाद को कह के उससे काफ़ी पैसे ऐंठ चुके हैं और जब भी पैसे मांगने जाते हैं तो उसके साथ गाली गलौज करते हैं और एक मामले में झूठा भी कायम करा दिया है। जब हमने इसकी जांच के लिए एडिशनल एसपी साहब को बोला तो एडिशनल एसपी साहब ने टीम बनाई, इनके घर में दबिश दिए तो एक आरोपी विशाल जायसवाल मिला जिसके पास से जो सरकारी सील हैं, जो नकली सील है और अपॉइंटमेंट के जो नकली लेटर है जो उसने तैयार कराए थे भोपाल में, वो पुलिस ने काफ़ी अधिक संख्या में जब्त की। और जब आरोपी से पूछताछ किया गया तो ये बात सामने आई कि उसने बैतूल और आसपास के शहरों के कई लोगों को नौकरी के नियुक्ति पत्र देके काफ़ी रुपए की ठगी की है। इस पर से बैतूल बाजार थाने में और गंज थाने में 2 अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी तक 5 आरोपी की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक व्यक्ति जो है वो भोपाल से गिरफ्तार किया गया जो उसके जो नियुक्ति पत्र है वो प्रिंट करके दिया करता था और शेष जो आरोपी हैं उसके परिवारजन हैं जो जो इनके साथ काम किया करते थे। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।